हम ढूंढ रहे हैं घर अपने लिए। स्टार्ट करने से पहले आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, जिनमें से एक है रियल्टर और दूसरी है मॉर्गेज अप्रूवल। बट ये है अपना डिटैच्ड हाउस और साथ में अटैच्ड गराज। हेलो जी, सारों ने प्यार भरी सत श्री अकाल, स्वागत है थोड़ा एक और नवी वीडियो के नाल। तो आज की वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम एक बहुत बड़ा डिसीजन, आज नहीं लिया, पहले से ले लिया सर डिसीजन तो, बट आज उसका ऑफिशियल स्टार्ट हो रहा है। ऑफिशियल स्टार्ट वो मैं बता दूंगा कि क्या है। तो हम ढूंढ रहे हैं घर अपने लिए घर लेने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं घर देखने पहला। वैसे हमने क्या प्रोसेस है इसके लिए वो भी आपको बता देते हैं, और हमने जनवरी में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आज हम पहला घर देखने जा रहे हैं, इसलिए हम इसको आज ऑफिशियल स्टार्ट बोल रहे हैं। तो मैं आ गया हूँ नीचे गाड़ी लेने, और बाहर बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा -20 टेम्परेचर है। तो मैं गाड़ी ऊपर लेके जाता हूँ, स्मिता ऊपर ही मिलेगी, और फिर शुरू करते हैं और आपको देते हैं इन्फॉर्मेशन, आपको घर भी दिखा देते हैं। हाँ जी, स्मिता जी पहुंच गई हैं, मैं ऊपर आ गया हूँ अब गाड़ी लेके। तो लेकिन चलने से पहले मैं सोचा कि आपको बता दें कि यहाँ पे कैसे होता है घर खरीदने का, हिसाब क्या है। इंडिया से थोड़ा डिफरेंट है, तो हमें भी धीरे धीरे पता चल रहा है, हम भी अपने रियल्टर और दोस्तों से पूछ रहे हैं। अब रियल्टर, मैंने नाम बता दिया, तो मैं बता देता हूँ कि होती क्या चीज़ है। तो होता ये है कि यहाँ पे जब आप घर खरीदने लगते हो, तो आपको अपने एक रियल्टर साइन करना पड़ता है। रियल्टर होता है मिडल मैन, जो आपका सौदा करवाएगा, आपका और उसके दूसरी पार्टी के ओनर बीच का में। तो वो रियल्टर होता है यहाँ पे, ये डेजिग्नेटेड होते हैं, इनका जॉब प्रोफेशन ही रियल्टर होता है। तो वो आपको असाइन करना पड़ता है एक रियल्टर, आप उसके साथ ही अपने सारे घर देखते हो। जो भी घर में जाना है, आप अगर आपको कोई घर पसंद आता है, आप उसको बताओगे, तो वो आगे जाके दूसरी पार्टी से असाइन करके आपकी व्यूइंग बुक करवा देगा कि आ जाओ भैया देखने के लिए आज के दिन में। ये है रियल्टर का काम, ठीक है जी। और दूसरा घर, ये स्टार्ट करने से पहले आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, जिनमें से एक है रियल्टर और दूसरी है मॉर्गेज अप्रूवल। अब मॉर्गेज है, जब हम घर लेंगे तो लोन लेना पड़ेगा, तो कितना लोन हमें मिल सकता है वो है मॉर्गेज अप्रूवल। तो वो सब लेने के लिए आपको मॉर्गेज एजेंट के पास जाना मॉर्गेज पड़ता एजेंट के पास जाना पड़ता है, और उससे अप्रूवल लेनी पड़ती है। आपका रियल्टर भी आपको मॉर्गेज अप्रूवल जो बंदा होता है उसके उसको रिकमेंड कर सकता है, या फिर आप खुद से भी जाके कर सकते हो। तो वो करवाने के बाद आपके पास एक फॉर्मल लेटर सा आता है कि भैया आप इतने तक एलिजिबल हो। उसके बाद आप घर देखना स्टार्ट कर सकते हो, कि जाओ मार्केट में घर देखो, और आपको भी पता होता है कि आप कहाँ तक स्टैंड करते हो और कितने तक आप आगे बढ़ सकते हो घर खरीदने के लिए, मतलब कितनी अमाउंट तक। और घर देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा realtor.ca में, हाँ या उनका ऐप भी है रियल्टर ऐप, वो डाउनलोड कर लो और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपना चॉइस के हिसाब से आप वहाँ घर देखते देख रहो। सकते हो। तो यहाँ पे ना थोड़ा प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रीमलाइन है, एक ही कॉमन सिस्टम है, जहाँ पे सारे घर अपलोड होते हैं, लिस्ट होते हैं, जहाँ पे आप घर देख सकते हो, जो स्मिता ने बताया realtor.ca है। आप वहाँ पे अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग, या अपने आपका जो क्राइटेरिया है कि भैया मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, ये लेआउट होना चाहिए, इतने फ्लोर चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए, बेसमेंट होनी चाहिए, फर्निश होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप वहाँ पे घर देख सकते हो, और जो घर आपको पसंद आता है आप उसकी व्यूइंग कर सकते हो। घर देखने से पहले आपको अपना एरिया डिफाइन करना जरूरी है, कि आपको पता होना चाहिए आपको किस एरिया में घर लेना है। इस ये से भी ये सब भी मैटर करता है, क्योंकि फिर वहाँ पे स्कूल्स कैसे हैं उस एरिया में, उस एरिया में हॉस्पिटल्स कैसे हैं, कितना नज़दीक है, कहाँ पे है, ये सब भी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। हमारे बस लोकेलिटी अच्छी होनी चाहिए, हमारा वो टारगेट अभी के लिए। और घर भी कैसा होना चाहिए ना, लेआउट तो पूरा स्पेसिफिक है, जब भी कोई पसंद है। अटैच्ड डिटैच्ड हमने टाउन जनवरी हाउस में, हाँ हाँ अपार्टमेंट हाँ राइट, कॉन्डो। हाँ ये भी सब, मैं ये तो सच अच्छी बात बताई स्मिता ने, घर भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो जिसमें हम अभी रहते हैं अपार्टमेंट, एक होते हैं टाउन हाउस, एक होते हैं रो हाउस, ठीक है, और एक होते हैं डिटैच, डिटैच विद अटैच गराज, डिटैच विद डिटैच गराज। अब सारे सारे कैसे कैसे होते हैं ये हम आपको आने वाले वीडियोस में दिखाते रहेंगे, जैसे जैसे हम देखते जाएंगे। तो आज हम डिटैच विद अटैच गराज देखने जा रहे हैं, बिल्कुल सेपरेट घर होगा, सिंगल फैमिली हाउस है। हाँ ये पता नहीं क्या बना रखा है छोटा सा, बट ये है अपना डिटैच्ड हाउस और साथ में अटैच्ड गराज। अगर डिटैच हाउस और डिटैच गराज वाले भी होते हैं, उसके केस में गराज यहाँ पे पीछे होता है। तो गैस ये जो स्पेस देख रहे हो आप साइड में, ये दोनों घरों की कॉमन स्पेस है, हाफ हाफ। इसको बोलते हैं यहाँ पे जीरो लॉट हाउस, नहीं ट्रेडिशनल हाउस, जहाँ पे ये स्पेस होती है, जहाँ पे ये स्पेस अंदर जाने की नहीं होती ना साइड में, उसको बोलते हैं जीरो लॉट। तो प्रेफर्ड होता है कि आप ट्रेडिशनल लॉट ले लो, वैसे अपनी मर्जी है।
तो अब आपको दिखाते हैं अंदर से घर, और सबसे अंदर घुसते ही सबसे पहले है क्लोज़ेट जहाँ पे जैकेट वगैरह टांग सकते हैं, और उसके लेफ्ट में है स्टडी रूम या ऑफिस रूम कह सकते हो। तो ऑफिस रूम हमारी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है कि मेन फ्लोर पे ऑफिस रूम होना चाहिए। ऑफिस रूम से बाहर निकलते ही है हमारा हाफ बाथरूम जो कि कनाडा में मोस्टली मेन फ्लोर पे होता ही होता है, और साथ में ही आता है लॉन्ड्री रूम। लॉन्ड्री रूम भी काफ़ी स्पेशियस है। तो लॉन्ड्री रूम से निकलते ही राइट साइड पे है लिविंग रूम, और लेफ्ट साइड पे है किचन, और किचन में साथ में पेंट्री भी है। किचन का स्लैब भी काफ़ी अच्छा बड़ा है, और किचन में अप्लाइंसेस इसके साथ ही आते हैं। बट लिविंग रूम और किचन में जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम लग रहा है। किचन के साइड में ही है डाइनिंग एरिया जिसमें डाइनिंग टेबल लगा रखा है 4 सीटर अभी के लिए, और ये भी थोड़ा सा स्पेस जो कंजस्टेड लग रहा है। और किचन के ही पीछे विंडो से देख सकते हैं ये जो है हमारा बैकयार्ड। अब बैकयार्ड जो है इसमें अभी पता नहीं चल पा रहा कि ये सीमेंटेड है या ग्रास वाला है। और अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर क्या क्या है, कैसा लेआउट है। तो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते ही लेफ्ट हैंड साइड जाते ही आता है हमारा बोनस रूम। तो ये भी हमारी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है कि हमें हमारे फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर एक बोनस रूम, जिसको हम फैमिली रूम भी बोलते हैं, वो होना चाहिए। तो अगर हमें बाय चांस टीवी वगैरह लगाना है और इकट्ठे बैठ के फैमिली टाइम स्पेंड करना है तो हम ये बोनस रूम को इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और बोनस रूम भी काफ़ी खुला है तो ये गुड पार्ट है। अब बोनस रूम से निकलते ही राइट हैंड साइड पे आता है वॉशरूम जो कि जो दो रूम हैं और उनका है राइट, और उन दो रूम में से एक रूम ये है। इस रूम का साइज़ भी अच्छा है, गुड है, और साथ में इसमें क्लोज़ेट भी है तो वो भी एक अच्छी बात है। अब इस रूम के साथ ही सीढ़ियों के बिल्कुल सामने है दूसरा रूम, तो ये भी वॉलपेपर लगा के काफ़ी अच्छा बना रखा है। ये अभी के टाइम पे लैंडलॉर्ड ने, जो ओनर है इस घर के, उन्होंने अपने पेट के लिए रखा हुआ ये रूम। और इस रूम के राइट में आता है प्राइमरी बेडरूम। तो जो प्राइमरी बेडरूम होता है उसका साइज़ बाकी के जो रूम होते हैं उससे थोड़ा बड़ा होता है, तो इसमें बड़ा बेड भी आ जाता है तो काफ़ी स्पेशियस लगता है ये। और इस प्राइमरी बेडरूम के साथ ही अटैच्ड वॉशरूम होता है, तो इसमें बाथटब है, सेपरेट शावर एरिया है, तो दैट्स अ गुड पार्ट। और साथ ही इसमें एक वॉक इन क्लोज़ेट भी है, तो आसानी से कपड़े रखने में, और काफ़ी स्पेशियस भी है तो कपड़े रखने में काफ़ी आसानी हो जाती है, और बाकी सारा सामान भी यहाँ पे अच्छी तरह से आ जाता है। तो मास्टर रूम से बाहर निकलते ही बोनस रूम के पास हमारा है लिनन क्लोज़ेट। अब चलते हैं नीचे और चेक कर लेते हैं बेसमेंट भी, कि बेसमेंट में क्या चीज़ें हैं, क्या कैसे 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 बेसमेंट बनी हुई है। तो ये जो बेसमेंट है अभी फुली फर्निश्ड नहीं है, मतलब आई मीन फुली डेवलप्ड नहीं है, तो ये सेमी डेवलप्ड है क्योंकि वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं अभी के लिए। तो अभी के लैंडलॉर्ड ने इसको एज अ जिम एरिया या एक्सरसाइज रूम बना रखा है, तो यहाँ पे वो अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। लेकिन स्पेस अच्छा है इसका बेसमेंट का भी। और ये है फर्नेस एरिया जो कि घर की पूरी हीटिंग वगैरह कंट्रोल होती है यहाँ से, तो ये वो एरिया है। तो अभी के लिए बेसमेंट अनफर्निश्ड है, लेकिन अगर इसको डेवलप कराना चाहें और फर्निश्ड कराना चाहें तो इन बायर को वो खुद ही करवानी पड़ेगी अपने तरीके से। तो जैसे कि इस एरिया में एक बेडरूम बनाया जा सकता है अगर बायर चाहता है तो, वरना ऐसे भी छोड़ सकते हैं। हेलो जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रियल्टर असाइन करना पड़ता है अपने आप को, तो ये हैं हमारे रियल्टर अमित गुप्ता जी। हेलो जी। और सबसे बेस्ट सर्विसेज जो हमें रिकमेंड करी थी लोगों ने, तो हम भी उनके ही साथ आए हैं अभी। तो अगर आपको रियल्टर साइन करना है अपने आप को और इनको साइन करना है, तो मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप इनको कर लो, ठीक है। ये है इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल, और मैं ये डाल दूंगा अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, आप देख लेना। और किसी को भी ज़रूरत हो कैलगरी में, कैलगरी के बाहर, कैलगरी एंड सराउंडिंग, चाहे एयरड्री हो या चेस्टर मेयर, दूसरे सिटीज हो, वहाँ पे भी बिल्कुल सब तक्का चल रहा है ना, तो इनको कॉन्टैक्ट कर लेना। हाँ जी, तो हम आ गए हैं घर देख के, हमने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक देख लिया है, तो हमें अभी ठीक ठीक लगा है। अभी हमने इस पे अपना डिसीजन बनाया नहीं है कि लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। बट कम्युनिटी वाइज अच्छा लगा हमें। हाँ, कम्युनिटी अच्छी थी, बाकी मार्केट वार्केट भी है पास में, वॉलमार्ट सुपर स्टोर वो सब है पास में, प्लाजा सा बना हुआ है, ये प्लस पॉइंट तो है, ठीक है। और दूसरा, अगर आप कनाडा में रहते हो तो आप भी हमें बताना कि जब नया घर लेते हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर हम,
तो जब नया लेते हैं तो फिर उस टाइम पे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए घर लेते हुए, क्या क्या चीजें देखना चाहिए, क्या क्या नहीं देखना चाहिए, ठीक है, वो सब हमें बताना क्योंकि हम भी सीख रहे हैं अभी, हमें भी इतना पता नहीं है। तो जैसे जैसे हमारे रियल्टर हमें बता रहे हैं वो भी अच्छा गाइड कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमें गाइड करो अगर आप कैनेडा में रहते हो तो। ठीक है जी, तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, सर्च अभी भी जारी है, सर्च जारी है, तो आगे हम और भी घर देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसा घर होता है कैसा नहीं। राइट, तो एटलीस्ट हमें अब आइडिया हो गया कि अगर हम घर देखने जाते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है घर देखने जाने का, ठीक है, और क्या क्या देखना होता है, और क्या क्या देखना वो धीरे धीरे हम जैसे जैसे घर और एक्सप्लोर करेंगे तो हमें और आइडिया होगा। तो जी, ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।